फ्रेंड, तो आज फ्रेंड हम लोग चर्चा करते हैं एमपी वगैरह जो जॉब निकला हुआ है एमपी में पीयू वगैरह का। तो काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी है, जो 8वीं वगैरह भी पास हो भी भर सकते हैं फ्रेंड। तो ये पे जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं एमपी पीयू ऑर्डर है, इस तरह का रिक्वायरमेंट निकला हुआ ऑनलाइन फॉर्म 2019। तो ये पोस्ट डेट 15 जनवरी 2019 है, यानी कि आज के डेट से ये पोस्टेड हुआ है। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल देख लेते हैं कि क्या क्या नियम है, क्या कानून है इसके, और क्या जरूरी चीजें हैं, डेट वगैरह क्या है। तो इसको हम लोग देख सकते हैं, जैसे आप लिखा हुआ है मध्य प्रदेश स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी एमपी SLSA जबलपुर, ठीक है। तो ये जबलपुर के लिए निकला हुआ है, ग्रुप डी रिक्वायरमेंट 2019। यहाँ पर देख सकते हैं कि जिसका स्टार्टिंग डेट है आपको देखना 14/1/2019 और लास्ट डेट 7/2/2019। तो 7/2/2019 से पहले से आपको भर देना है फ्रेंड इसको, सो डेट के रहते हुए। और इसका फीस वगैरह देख लेते हैं, तो ओबीसी जनरल का 100 फीस है, ST SC और हैंडीकेप का 100 रुपये फीस है। इसी तरह करेक्शन चार्ज 50 रुपये लगेगा। पेमेंट की बात करते हैं फ्रेंड, तो पेमेंट यहाँ पे आसानी से आप पेमेंट कर पाएंगे, कैश भी पेमेंट कर सकते हैं एमपी कियोस्क के माध्यम से, और नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड सभी माध्यम से पेमेंट कर पाएंगे। वैकेंसी की बात कर लेते हैं फ्रेंड, वैकेंसी 131 है, यानी 131 पोस्ट निकाले गए हैं। और ये जो एज का गणना किया जाएगा 7/2/2019 से गणना की जाएगी। तो यहाँ पे जैसे आपको नजर आ रहा होगा फ्रेंड, पोस्ट नेम निकला हुआ है जनरल, ओबीसी, ST SC, टोटल ये सारे दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पे जो पोस्ट का नाम है यून असिस्टेंस, जनरल का 21, ओबीसी का 7, एससी का 7 और एसटी का 9, टोटल 57 पोस्ट है। 18 ये जो एज मांगे गए हैं 18 से 40 साल, यानी कम से कम मिनिमम आपके 18 साल हो गई हो और 40 साल से ऊपर ना हो। और एलिजिबिलिटी की बात देख लेते हैं फ्रेंड, तो यहाँ पे 10वीं पास यानी सॉरी 8वीं पास, अगर 8वीं पास है तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे फ्रेंड। तो यहाँ देख लें, अगर 8वीं आप पास हो तो भी इस फॉर्म को भर सकेंगे बहुत आसानी से। इसी तरह देख सकते हैं और सारे पोस्ट निकाले गए हैं। यहाँ पे ऑर्डर तमिल कट्टा, यहाँ पे 30 पोस्ट निकाला गया, जनरल का, ओबीसी का 9 है, एससी का 9 है, एसटी का 12 है, टोटल 60 सीटें हैं। एज इसका 18 से 45 साल, ठीक है। इसी तरह आप अगर 18 से ऊपर हैं और 40 साल से अधिक नहीं है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे फ्रेंड। आपका क्वालिफिकेशन मात्र 8वीं पास होगा तो भी भर पाएंगे, बाकी ऊपर चाहे जो भी हो, चाहे आप ग्रेजुएशन हो चाहे 12वीं हो, उससे दिक्कत नहीं है, मिनिमम 8वीं पास होना चाहिए। सो फ्रेंड आप देख सकते हैं कि इसका जो, अगर आपको ज़्यादा डिटेल चेक करना है, इसका विधिवत चेक करना है, PDF वगैरह, यहाँ नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। वेबसाइट आपको नज़र आ रही होगी फ्रेंड, यहाँ पे दिखाई दे रही हो वेबसाइट, इस वेबसाइट पे भी जा करके आप पूरा इसका डिटेल एक बार देख करके और ज़्यादा विधिवत आप देख सकते हैं इसकी पूरा मैक्सिमम जानकारी। बट आप इतना भी अगर जानकारी आपको है या तो भी काम चल जाएगा आपका, इसके माध्यम से इतनी जानकारी आपको काफ़ी है। बट आपको डीपली और जानकारी चाहिए तो यहाँ पे नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लें, और नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देखें फ्रेंड। सो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर काम वर्क के लिए डिटेल आपके लिए काफ़ी है। तो डेट रहते हुए इसके फ्रेंड आप अप्लाई करें, आपके पास समय अभी है 7/2/2019 तक आपको अभी डेट है इसका। सो आप देख लें, यहाँ पे जैसे आपको दिखाई दे रहा है 7/2/2019 लास्ट डेट है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी फ्रेंड? अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो फ्रेंड आप प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम, जय हिंद।